हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की थी और कंप्यूटर में हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया था और उसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास और जनरेशन की बातें कर रहे थे, जिसमें कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जनरेशन भी चेंज होगा। और इस जनरेशन में हमने तीन जनरेशन कम्प्लीट कर लिए थे। पहला जनरेशन था प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे। सेकेंड जनरेशन आते आते हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पकड़ लिया था। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इसके बाद जो है, जो फोर्थ जनरेशन है, प्रोग्रामिंग भी हमने थर्ड जनरेशन में स्टार्ट कर दी थी। जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन जो है ये एकदम क्रांति ला देगा कंप्यूटर जगत में और इसी को हमको समझना है। तो फोर्थ जनरेशन में कुछ जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की वो थोड़ी और सुधर जाएगी, इस पर हम लोग को चर्चा करनी है। देखिए सबसे पहले इसका डेट क्या है, तो लगभग 1976 से 1990 के बीच का जो ये काल है ये फोर्थ जनरेशन का काल कहलाता है। इस समय जो कंप्यूटर की स्पीड है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, जो पहले के कंप्यूटर थे उसके मुकाबले इसकी स्पीड 100 गुना और ज्यादा बढ़ गई थी, तो यानी इसकी गति जो है बहुत बढ़ गई थी। साथ साथ हम लोग आईसी चिप का यूज करते थे, एक या दो आईसी चिप। इस जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चालू कर दिया। थोड़ा सा हम समझते हैं ये क्या होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें बहुत सारे आईसी चिप लगे होते थे, हजारों लाखों आईसी चिप मिलाकर एक क्या बनाएंगे हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर। मैंने सोचा कितना परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसको ना कंप्यूटर का दिल कहते हैं। जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू तो ब्रेन हो गया, उसके अंदर भी अब क्या है, उसको भी परफॉर्म करने के लिए हमारा प्रोसेसर होता है। याद रखिएगा, प्रोसेसर जितना स्ट्रांग होगा कंप्यूटर या आपका मोबाइल उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो प्रोसेसर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल कहते हैं, याद रखना है। साथ साथ ये प्रोसेसर पहली बार जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किसने बनाया था, तो ये इंटेल ने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था और इसका नाम था 4004। ये भी याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा, कई बार देखे होंगे आप लोग, कभी कभी एरर आता है तो ये आपका 4004 आता है, वही इंटेल ने पहले अपने प्रोसेसर के नाम पर ही आपका एरर रखा हुआ है। तो कभी भी हम लोग देखते हैं एरर वगैरह आता है, नहीं रीच हो पाता सर्वर, तो यही एरर आता है। तो ये एरर आने का कारण ये है कि क्योंकि पहला जो प्रोसेसर है उसका नाम क्या था, 4004। किस कंपनी ने बनाया, तो किसने बनाया है, इंटेल ने बनाया, और इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिल कहते हैं, दिल, ठीक है। कंप्यूटर सीपीयू जो है वो सारे काम प्रोसेसर के माध्यम से ही करवाता है, ओके। तो प्रोसेसर आपको याद रखना है, प्रोसेसर स्ट्रांग रहेगा तो कंप्यूटर भी अच्छा चलेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सबसे पहले किसमें चालू हुआ है, तो फोर्थ जनरेशन में चालू हुआ। तो एक दो तीन चार ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो चौथे जनरेशन में आपको प्रोसेसर याद रखना। बहुत सारे इसमें आईसी चिप लगेंगे। अब जब बहुत सारे आईसी चिप लगेंगे तो इसको हम एक नाम देंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI नाम बोलते हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग होगा। थोड़ा सा इसको देखिए, जैसे ये हमारा एक आईसी चिप है, एक ही है, सिंगल है, इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, समकलित पथ। अब सुने, इसी में ना बहुत सारा हम आईसी चिप लगा देंगे, छोटे 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 छोटे, ये हमारा एक प्रोसेसर बन गया। अब का क्या नाम दे दिए, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे कनेक्शन, ठीक है। आपके मदरबोर्ड पे एक आपका बड़ा सा एक प्रोसेसर चपक जाएगा और ये VLSI का प्रयोग चालू हो जाएगा, तो ये एक याद रखना है। साथ साथ हमने क्या यूज किया, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया। यानी समझ लीजिए ऐसे कि बहुत सारे आईसी चिप मिलाकर प्रोसेसर बनाया ना, तो बहुत सारे को वेरी लार्ज स्केल बोलिए। इसके बाद हमने क्या किया, LAN और WAN का भी इसका चालू कर दिया उपयोग। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क और WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, LAN और WAN को। देखिए LAN क्या है, एक हब है का होस्ट होगा, आसपास जो है कुछ कंप्यूटर इससे जुड़े होंगे और इसके कंट्रोल करेंगे, इससे के द्वारा सारी चीजें संचालित होंगी। मान लीजिए सूचना देना है, इसके पास जाएगा, इसके माध्यम से यहाँ चले जाएगा, ओके, और किसी और की सूचना को ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया मतलब कम क्षेत्र के लिए ये ऑफिस वगैरह के लिए चालू हुआ। वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो होस्ट है, ये हब है, ये बहुत सारे होंगे, जैसे ये एक हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे हब और होस्ट को मिलाकर वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़े एरिया नेटवर्क का आविष्कार किया गया। तो याद रखिएगा, लैन और वैन का सबसे पहले प्रयोग कब चालू हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में चालू हुआ। आप ऐसा समझ सकते हैं, इंटरनेट की प्रारंभिक शुरुआत जो है यहीं से होती है, ठीक है। इंटरनेट का जो प्रारंभिक शुरुआत है ये फोर्थ जनरेशन से चालू होता है, लैन और वैन के रूप में। उसके बाद तो इंटरनेट देखना, ग्लोबल नेटवर्क हो गया है इंटरनेट।
ठीक है, तो ये लैन और वैन याद रखिएगा, लैन और वैन की शुरुआत होती है। साथ साथ इसी इसी जनरेशन में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर जैसा कंसेप्ट आता है। मिनी और माइक्रो जो आजकल का डेस्कटॉप होता है हमारा, जो डेस्कटॉप आप देखते हैं वो मिनी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो ये जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर देख रहे हैं इसकी शुरुआत भी फोर्थ जनरेशन में होती है। एक आप जानते होंगे एक कंपनी है IBM, IBM ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया। IBM ने क्या बनाया, पर्सनल पीसी बनाया, पीसी है ना, अब हम आज भी यूज करते हैं, बोलते भी है पीसी मेरा पीसी, तो पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो है ये IBM कंपनी ने बनाया, और यही था क्या आपका मिनी और माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है IBM ने क्या बनाया, पीसी बनाया। इसमें और भी चेंजेस हुए, उसको देखिए इसमें ना हमने क्या क्या प्रयोग किया। इसमें हमने GUI सबसे पहले प्रारंभ, सबसे पहले GUI का प्रारंभ कब हुआ है, तो फोर्थ जनरेशन में हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग हमने फोर्थ जनरेशन में किया है। अब आप इसको ऐसे समझें कि अब ये क्या है, तो हम लोग कोई कंप्यूटर में इससे पहले कोई परफॉर्म करते थे वो शो नहीं होता था, कोई इमेज वगैरह नहीं दिखती थी, मगर GUI आने के वजह से क्या हुआ, सब चीजें हमको शो होने लगी, जो हम कर रहे हैं सामने दिखने लगा। तो ग्राफिकल यूजर मतलब ग्राफ मतलब आपको चित्र दिखने लगे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, और ये यही चीज जो है GUI ये कंप्यूटर में एक नई क्रांति लाएगी, और उसके बाद कंप्यूटर की जो लोग है या जो जनरेशन है पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर तो बहुत ग्रोथ होगी। क्योंकि देखिए जो चीजें सामने होती है ना तो गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, कई चीजें हम सुधार सकते हैं, जिस जैसे चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उससे पहले ऐसा नहीं था, हम लोग कर देते थे, इनपुट देते थे, वो आउटपुट देते थे, हम देख नहीं पाते थे कि कैसे वो काम कर रहा है, क्या फिर कहाँ पर एरर हो रहा है, और एरर भी होगा तो पकड़ाया नहीं। मान लीजिए एक पेज लिखना है आपको और दिख नहीं रहा है, बस आप टाइप किए जा रहे हैं, सोच के देखिए, और उसके बाद आउटपुट आएगा तो अरे पता चला बीच में गलत, तो बहुत मतलब बहुत सावधानी से आपको इनपुट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहली बार इंट्रोड्यूस होता है फोर्थ जनरेशन में। और आप लोग जानते होंगे फिर आता है विंडोज का जमाना, विंडोज आता है, और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं। क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS याद रखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सुने होंगे, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS वैसे तो ये ग्राफिकल यूजर नहीं है, ग्रॉस, ठीक है। उसके अलावा आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप चित्र देख सकते हैं। डॉस नहीं है, इससे पहले डॉस यूज करते थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने लगे। ठीक है, आपके मोबाइल में भी अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, गूगल का होगा, एप्पल का होगा, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत जो है कब से हुई है, तो कब से हुई, फोर्थ जनरेशन से हुई है, इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन का कंसेप्ट था, LSI, LAN, WAN, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, PC का आविष्कार हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर आ गए, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसकी गति जो है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में बहुत बढ़ गई थी, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ जनरेशन हो गया। इसके बाद देखें फोर्थ जनरेशन के बाद, ठीक, इसके बाद जो होता है फिफ्थ जनरेशन आता है, पांचवी पीढ़ी। ये जो पांचवी पीढ़ी है ये 90s के बाद का जो दशक है, ठीक है, 90s के बाद का जो दशक है आज तक, ये फिफ्थ जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन की थोड़ी सी आप बात समझें, देखिए उसमें LSI था, इसमें UL वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, उसमें क्या था जी, VLSI वेरी लार्ज स्केल था, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल मतलब हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने क्या किया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया है, तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल हो जाएगा। साथ साथ इस जनरेशन में याद रखना है गति तो बहुत तेज हो गई है ना, गति में हम लोग आ जाएंगे सुपर कंप्यूटर के पास आ जाएंगे। उसमें हम लोग मिनी और माइक्रो में थे, इसमें कहां आ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर में आ जाएंगे। आज का जो फिफ्थ जनरेशन है का जो आप सुपर कंप्यूटर का कंसेप्ट देखते हैं वो इसी का है, फिफ्थ जनरेशन का है। साथ साथ इसमें और आप देखें, इसमें हम लोग आ जाएंगे किसमें, तो इंटरनेट में आ जाएंगे, इंटरनेट का उपयोग किसमें हो जाएगा, तो फिफ्थ जनरेशन में प्रचुर मात्रा में हो जाएगा। साथ साथ आपका जीमेल आ जाएगा, ठीक है, जीमेल आएगा, ईमेल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल, यानी हम लोग ईमेल के माध्यम से अपनी सूचनाओं की एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे, बहुत बड़ा ये चेंजेस था। ठीक है,
उसके साथ साथ देखें, इसके साथ साथ आपका मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया जैसे कंसेप्ट आ जाएंगे आपके सामने। आप लोग देखते हो, है ना, देखते क्या हो, उससे पीड़ित हो, ग्रसित हो सकता है ना, कई लोग उससे दूर भी है, बट एक रीच का माध्यम होता है सोशल मीडिया। आपका मल्टीमीडिया जैसे कंसेप्ट जो है हमारे फिफ्थ जनरेशन के ही देन है। तो आज आप देखते हैं जो आप फेसबुक, इंस्टा, ये सब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप व्हाट्सअप, ये सब जो देख रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन का ही है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और लास्ट और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है AI। ये पूछा जा सकता है कि AI जो है ये किस जनरेशन का कंसेप्ट है, तो ये फिफ्थ जनरेशन का। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने सुना ही होगा कि AI के माध्यम से AI ने किसी भगवान का चित्र बना दिया, AI ने ये काम कर दिया, AI ने कुछ और कुछ कह दिया। तो ये AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी पीढ़ी, याद तक नहीं कहता, पांचवी पीढ़ी का जो है ये AI आपका है। तो इसको कुछ याद रखेगा, पांचवी पीढ़ी में भी चल ही रही है। ULSI का प्रयोग हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, साथ साथ सुपर कंप्यूटर का कंसेप्ट आया इसमें, साथ साथ इंटरनेट का आया, जीमेल आया, ईमेल आया, सोशल मीडिया आया, मल्टीमीडिया इसी का कंसेप्ट है, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपका फिफ्थ जनरेशन का ही कंसेप्ट है। इसको इतना याद रखना है, ठीक। अच्छा, अभी भी अच्छा माइक्रो प्रोसेसर अभी भी यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में और फिफ्थ में दोनों में माइक्रो प्रोसेसर है, हाँ, बट ULSI में है, अल्ट्रा लार्ज स्केल में बहुत ज्यादा मात्रा में आपका यूज होता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये हमारा जनरेशन का जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन से। तो आइए चर्चा करते हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ठीक, उस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इसके प्रश्न आते हैं। बहुत ईजी रहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देके भी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ही बन जाएंगे। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं, देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरा फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनपुट आउटपुट का। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर का में उपयोग किया जाता था। तो मैं पहले ही बता दूं, देखो फर्स्ट में हम लोग वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC चिप, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर। तो अब चार देख लो, तो ट्रांजिस्टर बोला है तो किसमें आ जाएगा, ये सेकंड जनरेशन में आएगा ना, द्वितीय पीढ़ी में यूज करते थे। साथ साथ खाइस्तान का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटर के इनपुट के माध्यम के रूप में किया जाने लगा, तो इनपुट के रूप में किया गया, और किसमें, प्रारंभिक में, इनपुट में हम लोग क्या यूज करते थे, तो ये तो आपका निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, तो क्या हो गया, स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज हुआ, और इनपुट के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे, है ना, इसमें क्या यूज करते थे, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड वगैरह, तो इसमें होगा पंच कार्ड, पेपर कार्ड, पंच, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, पंच कार्ड, याद रखिएगा, पंच कार्ड का उपयोग हम लोग इसमें करते थे, स्टोरेज के लिए या फिर इनपुट के लिए यूज करते थे, उसी में स्टोर होता था, है ना, मैंने आपको दिखाया भी था उसको, ठीक। नेक्स्ट, खाइस्तान कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले, सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी, चुंबकीय कोर मेमोरी फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ है, इसको चेंज कर दिया है, तो क्या हो गया, सेकंड जनरेशन में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी वही जो हमारा ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर ही था, तो सेकंड जनरेशन में चुंबकीय कोर मेमोरी को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, और किसमें कर दिया, हम लोगों ने इसको आपका सेमीकंडक्टर यानी ट्रांजिस्टर में यूज किया है। साथ साथ देखिए, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ क्यों हुआ, हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा सेकेंड जनरेशन का लास्ट और थर्ड जनरेशन का स्टार्टिंग, ठीक है, सेकेंड जनरेशन, क्योंकि देखिए उस समय ना उतना ज्यादा वो ना व्यवहारिक नहीं था, उतना ज्यादा वो फ्रेंडली नहीं था हमारे साथ। मैंने पहले बताया GUI जो बताया आपको, फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब तक नहीं आया था तब तक बहुत टफ जाता था, है ना, अरे पढ़ाएंगे कैसे, पहले तो बच्चों को अपना खुद का पढ़ना है, उसके बाद उसको सीखना है, और उसको ऐसा इनपुट देना जो देख ही नहीं सकता है। तो जब से GUI आया ना तब से ये क्या हुआ है, चालू हुआ है, तो लगभग हमारा फोर्थ जनरेशन 76-5 से आता है, तो उससे थोड़ा सा पहले आप स्टार्ट रखिएगा, कब से हो जाएगा, तो 70s का जो दशक है, ये 70s के दशक में हमने एजुकेशन में इसको यूज करना चालू कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हमारा जो 70s का दशक है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में भी प्रारंभ कर दिया, उससे पहले ना ये वैज्ञानिक शोध वगैरह में यूज होता था, ठीक है, टफ था ना जी, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद बहुत इजी हो गया है। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। तो प्रथम पीढ़ी में हम लोग क्या यूज करते थे भाई, ट्रांजिस्टर तो सेकंड पीढ़ी का है, एकीकृत सर्किट है ना, एकीकृत IC चिप तो थर्ड जनरेशन का है, VLSI वेरी लार्ज स्केल का ये आपका फोर्थ जनरेशन है, क्या यूज करेंगे, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का यूज करते थे,
है ना, ये ट्रांजिस्टर सेकंड, एक एक सर्किट थर्ड, और वीएलएसआई फोर्थ। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया, आप लोग जानते हैं, जब स्टार्ट किए थे हिस्ट्री तभी बताए थे, एनालिटिक इंजन, ठीक है, और आपका भाप से चलने वाला इंजन, ये दोनों जो है कौन किया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, और इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज, है ना। उसके भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादित की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसको समझने के लिए कंप्यूटर को कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सोच के देखिए, तो कौन सा कंप्यूटर, मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो उसको कोई भी ट्रांसलेटर नहीं लगेगा, ऐसे समझ लो कि आप लोग अंग्रेजी अंग्रेजी आपको आती है और अंग्रेजी में ही बतिया रहे हैं, तो आपको किसी भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर की कौन से भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर का कौन सा अनुवादक आवश्यक नहीं है, तो याद रखेगा, अगर उसको इंस्ट्रक्शन किसमें दें, मशीन लैंग्वेज दें, तो उसको अनुवादक नहीं लगेगा, क्योंकि उसका खुद का लैंग्वेज वही है। तो याद रखेगा, ना तो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज ना होगा, फोर्थ जनरेशन पीढ़ी वाला नहीं होगा, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं होगा, मशीन लैंग्वेज में अगर हम उसको इनपुट दें, इसको अनुवादक नहीं लगेगा, ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि यही समझता ही है। हाँ, क्योंकि हम लोग नहीं समझते, इसलिए हमको ट्रांसलेटर लगता है, हम अपना देते हैं, फिर उसमें मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, इस तरह से याद करना। देखिए, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है कहलाता है, ये पहले का क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता होती है, इसको सूचना कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं, आंकड़ा या डेटा तो हम कहते नहीं, डेटा तो मतलब अव्यवस्थित सूचनाओं का संकलन है, जब इसको जमा दोगे तो क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन कहते हैं। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया तथा पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, लेडी एडा अगस्टा नाम था, इन्होंने सबसे पहले एनालिटिक इंजन पे प्रोग्राम डाला था, इसलिए इसको प्रथम, इनको प्रथम प्रोग्रामर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, बाइनरी कोड में डाला था इन्होंने, कहा गया लेडी एडा अगस्टा, इनको प्रथम प्रोग्रामर, प्रथम प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं, इन्होंने बाइनरी भाषा में प्रथम प्रोग्राम लिखा था, इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो अभी अभी जस्ट पढ़ा है, माइक्रोप्रोसेसर कौन सी जनरेशन हो जाएगा, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर का भी होगा। एक हाइब्रिड कंप्यूटर कैसा होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर आगे भी पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन आ गया फिर भी कर लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जैसा, एनालॉग जैसा, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हम जस्ट इसके बाद कंप्यूटर के प्रकार पढ़ लेंगे, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन, ये तो पता ही है, ठीक। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े, प्रसंस्करण में धीमे और उनकी भंडारण क्षमता कम होती थी, तो आप जानते ही हैं, पहला प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, आकार है बहुत बड़े, इनकी स्टोरेज क्षमता न के बराबर होती थी, और एक बहुत ही स्लो होते थे, बहुत हीट करते थे, बहुत गर्मी वाले करते थे, है ना। लेकिन फिर कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता कौन सी है, तो बुनियादी विशेषता याद रखिएगा, इसकी गति होती है, इनपुट तो है ही नहीं, सीपीयू उसका तो अंग है, और आउटपुट तो है, मगर सबसे निकटवर्ती आंसर कौन हो जाएगा, इसकी स्पीड बुनियादी इसकी वो। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है ALU, मेमोरी, CPU। CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का दिल माइक्रोप्रोसेसर को कहते हैं। तो ये आप, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीपीयू को क्या बोलते हैं, सीपीयू को ही दो अंग होते हैं, ALU और CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जब हम सीपीयू पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट देखें, प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था, तो बेसिक भी करते थे, कोबोल, मेसेंबली। अब देखो एकदम स्टार्टिंग में देखो, हमारे पास कोई भी नहीं था, तो हम मशीन लैंग्वेज में ही उसको इनपुट दिया करते थे, ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में करते थे, और बाकी देखेंगे कि उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद से ही बेसिक और कोबोल चालू हो गया, फिर असेंबली लैंग्वेज भी हम लोग प्रयोग करने लगे। तो इस पर सबसे निकटवर्ती आंसर मशीन होना चाहिए, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज में ही उसको इनपुट दिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रांसलेटर वगैरह का यूज किया है, बेसिक का प्रयोग किया है, बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, फिर कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वगैरह का प्रयोग किया है, तो इसके बाद ही चालू हुआ। तो सबसे इन सब में अगर लेना है तो ये आ जाएगा, अगर ये नहीं रहता तो फिर इनमें से आंसर लेते हैं, ठीक है। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर होते हैं, कैसे होते हैं, तो घरों में प्रयोग होने वाले डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो हमारा कंप्यूटर जो घर में यूज होता है उसको डिजिटल बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, एनालॉग नहीं होता, क्वांटम नहीं होता, सुपर कंप्यूटर तो हमारे बस का ही नहीं, ठीक है।
खालिस्तान कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी में चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली, वही वाला क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर की जगह, सेमीकंडक्टर आप जान गए, सेमीकंडक्टर सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, कब की बात हो रही है तो सेकंड जनरेशन, चुंबकीय कोर की जगह ले ली यानी फर्स्ट जनरेशन का जगह कौन ले लिया है, तो सेमीकंडक्टर ने लिया, सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। देखिए किस आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, आपका चार्ल्स बेबेज को कहते हैं आधुनिक कंप्यूटर निर्माता से कौन सी भाभा। अच्छा इस क्वेश्चन को चाहे छोड़ सकते हैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा भी सुपर कंप्यूटर आएगा तो आएगा, परमाणु भाषा अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर जो है आपके भाभा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे हिस्ट्री और उसके जनरेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है, और इसी में हम लोग आपका प्रिंटर वगैरह को पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस को फिर पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग शुरू से पूरे वीडियो को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको बन जाएंगे, ठीक है, थैंक यू।